असलम वेलकम टू जिन जानी मैं हूँ सैयद मुश्वर अली जिनजानी और हमारा जो आज का प्रोग्राम है तेरह नवंबर का दिन आज के दिन अगर हम लोग देखें तो बेसिकली आज का दिन इस्लामी लिहाज बहुत ज़्यादा अहमियत और वफादीत का दिन है क्योंकि आज जो इस्लामी डेट बनती है ये बेसिकली रहलत है हज़रत अबू तलब की और ये हुई थी दस्त हिजरी में तो इस लिहाज से आज का जो दिन है बेसिकली काफ़ी हद तक अहमियत और फादियत का दिन है और वैसे भी जैसे कि मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ कि हर मुसलमान को इस्लामी तवारीख़ के अहम वाक़ात या उनकी तवारीख की जो डेट्स आती हैं उन वाक़ का लाजमी तौर के ऊपर ख़ुद भी इल्म होना चाहिए अपने दोस्तों के साथ भी उनको शेयर करना चाहिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करना चाहिए तो आप लोग भी इन चीज़ों को लाजमी तौर के ऊपर शेयर किया की कीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली जो नस्लें हैं वो बेहतर तौर के ऊपर इस्लाम की जो रूट्स हैं उनके साथ अटैच रहें आज के दिन के मुताबिक अगर हम लोग इल्म ने के मुताबिक देखते हैं पहला जॉडिकसाइन एरीज़ बडज आप लोगों का जो बेसिकली आज का दिन है कुछ ख्यालात अच्छे आते हुए नज़र आते हैं उनको लाजमी तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और जो अच्छे ख्यालात आज के दिन आपकी ज़िंदगी में शामिल हो रहे हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट भी लाजमी तौर के ऊपर करें उससे ना सिर्फ आपकी निजी ज़िंदगी बेहतर होनी शुरू होगी बल्कि आप लोगों की जात से मुंसलिक जितने लोग हैं आज के दिन उनकी ज़िंदगी में भी आप लोग कुछ अच्छाई लेके आने की कोशिश करेंगे कुछ पॉजिटिविटी लेके आने की कोशिश करेंगे लेकिन कुछ ऐसे आइडियाज़ जिनको आप लोग आज के दिन इम्प्लीमेंट नहीं भी कर पा रहे तो तब भी आप उनको एक दफ़ा पेपर की सूरत में राइट डाउन लाजमी तौर के ऊपर गए ताकि कोई भी चीज़ आपके अगर माइंड से स्किप हो जाती है तो वो आपके पास नोट डाउन रहे उसको आप अपनी ज़िंदगी में अगले आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट कर सकें और आज के दिन के मुताबिक जो आप लोगों का सदका रहेगा आज के दिन आप लोगों का सदका है हसब तफ़ीक ब्लैक कलर की कोई भी चीज़ नेक्साड़ सैन टॉरस पुरजसौर पुरजेसौर आप लोगों का जो बेसिकली आज का दिन है आप अपने घरेलू हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं और ना सिर्फ आप लोग अपने घरेलू हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे बल्कि आज के दिन के मुताबिक आपकी कोशिश ये भी रहेगी कि आपके ऊपर जितनी लाइबलिटीज़ आती हैं चाहे वो आपकी औलाद की हो आपके दोस्तों की हो आपके फैमिली मेम्बर्स की हो इवन आप लोगों के काम का जो जितना भी बर्न है उनसे हो आप लोग अपनी लाइबलिटीज़ को आज के दिन बखूबी तौर तो के अबर ना सिर्फ निभाने की कोशिश करेंगे बल्कि आप लोग दूसरों को भी हेल्प आउट करते हुए नज़र आते हैं उनकी लाइबलिटीज़ को समेटने में और आज का जो दिन है आप लोगों का जो सदका रहेगा आप लोग हसब तोफीक सदका दे सकते हैं गंदम या बा चुड़ेगा नेक्स्ट जॉडिक चौधा बुजे जो आप लोगों का जो बेसिकली आज का दिन है जज्बाती अमूर से एहतियात बरतने की कोशिश करें क्योंकि आज के दिन आप लोग थोड़ा सा इमोशनली तौर के ऊपर एक्टिव हैं आप लोग इमोशनली तौर के ऊपर एक्टिव हैं और बिला वजह का एग्रेशन जो है आप लोगों के लिए आज के दिन इतना ज्यादा मुनासिब नहीं है कुछ कामों में बेकार हो सकता है सिर्फ आपके एग्रेशन की वजह से जल्दबाजी को अवॉइड करें सब्र तहमुल के साथ काम लेंगे तो चीज़ें इन लोगों की बड़ी मीरी रहने वाली हैं और आज के दिन के मुताबिक जो आप लोग सदका देंगे अपने आप को कूल माइंड रखने के लिए वो वो सदका है बेसिकली आप लोगों का रेड कलर की चीज़ का हसब तोफ़ी बुरज सरतान बुरज सरतान आप लोगों का जो बेसिकली आज का दिन है आज के दिन के लिहाज से कुछ अहम इतलाफ को मिलती हुई नज़र आती है दोस्तों की तरफ से रिलेटिव्स की तरफ से लेकिन कोशिश ये करें कि जो सुनी सुनाई बातें हैं उनके मुताबिक अपनी सोच को आप लोगों ने मेकअप बिल्कुल नहीं करना अपने फ़ैसलों को अपने दूसरों की सिर्फ कही हुई बातों के मुताबिक नहीं आप लोगों ने फ़ाइनल करना जब तक आप लोग हर चीज़ को खुद से एक दफ़ा अपने तजर्बे की कसौटी के ऊपर या अपने सोच के मुताबिक उसको अंडरस्टैंड नहीं कर लेते तो दूसरों की कही हुई बातों के मुताबिक मामला को अंजाम देंगे तो तब आप लोगों के लिए प्रॉब्लम रह सकती हैं इस चीज़ को आज के दिन आप लोगों ने थोड़ा सा अंडरस्टैंड लाजमी रखना है और आज के दिन के मुताबिक जो आप लोगों का सदका है वो आप लोग देंगे हसब तफीक तो सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ नेक्स जॉडिकद बुरजे उसद आप लोगों का जो बेसिकली आज का दिन है आज के दिन के लिहाज से काफ़ी सारी चीज़ें आपके हक में बेहतर होती हुई नज़र आती हैं कुछ दोस्तों का तावन रहेगा इवन दूसरों की तरफ से रिस्पेक्ट और इज्जत ऑनर मिलती हुई नज़र आती है आपको प्रेफर किया जा सकता है आपसे मुशावरत ली जा सकती है आपसे उनके पर्सनल मैरिट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए मदद मांगी जा सकती है लेकिन आपका जो अपना जाती आज का दिन है आप लोग रूहानी तौर के ऊपर काफ़ी हद हाँ तक एक्टिव नज़र आते हैं रूहानी तौर के ऊपर काफ़ी हद हाँ तक मुतहर हैं और आज का जो दिन है आप लोग मजहब, रूहानियत फलाही कामों की तरफ अपने आप को ज़्यादा मोल्ड करते हुए नज़र आएंगे और इसी के मुताबिक आप लोग अपनी पर्सनालिटी को भी चेंज कर सकते हैं आज के दिन के मुताबिक जो आप लोगों का सदका रहेगा आप लोग हसब तफ़ीक अपना आज के दिन सदका देंगे सब्ज रंग की कोई भी चीज़ नॉर्ड एक बर्जर बर्जर शुमला आप लोगों का जो बेसिकली आज का दिन है कोई निजी मसला जो बिला वजह ज़हनी तौर तो के ऊपर इंतार का बास बनता हुआ नज़र आता है यहाँ पर कोई माजी का मसला जो दोबारा से सर उभार सकता है तो आज के दिन अपने आप को ज़हनी तौर तो के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों ने प्रपेयर रखना है कि आपने कूल माइंड रहना है ना सिर्फ कूल माइंड रहना है ईवन दूसरों की अगर गलत रवैये गलत बातें आपको देखने को मिल रही हैं तो उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करें क्योंकि आज के दिन बहसो तकरार बला वजह तोल पकड़ती हुई नज़र आती है और बहस व तकरार से आप लोग कुछ हासिल नहीं होगा तो चीज़ों को आप लोगों ने आज के दिन इग्नोर करना है सेक्रीफाइस करना है तो मामला आपके हक़ में इनशाला बेहतर हो जाएंगे आज के दिन के मुताबिक जो आप लोगों का सदका है वो सदका आप लोगों का रहेगा लाल रंग की चीज हसब तफ़ी लिब्रा बुरज मैजान बुरज मैजान के हामिल जो लोग हैं बेसिकली आज के दिन आप लोग अपने फिक्र अमल से माशरे में असलाह लेके आने की कोशिश करेंगे और ना सिर्फ अपने फ़िक्र अमल से आप लोग दूसरों की जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे बल्कि आपकी जो अपनी ज़िंदगी है उसमें भी कुछ बेहतर रिफॉर्म्स आप लेके आने की कोशिश करेंगे आपकी कोशिश रहेगी कि आपकी सोच आपका अमल आपका किरदार आपकी अपनी पर्सनलिटी को भी बेहतर बना सकें अपने इवन ख़ुश लिबासी की तरफ आप लोगों की सोच आज के दिन काफ़ी रागब रह सकती है और अपनी ज़ात से दूसरे लोगों को आज के दिन कुछ ना कुछ आप लोग डिलीवर करने की सोच रखे हुए नज़र आते हैं और आज के दिन के मुताबिक जो आप लोगों का सदका रहेगा वो आप लोग देंगे ब्लू कलर की चीज़ हंसब तफीक जो आप दे सकते हैं नेक्स्ट और एक स्कॉर्पियो स्कॉर्पियंस आप लोगों का जो बेसिकली आज का दिन है रुपये पैसे के लिहाज से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है क्योंकि आज के दिन थोड़ा सा शहाना मिजाजी या फिर नागाहानी तौर के ऊपर अखराजा आज के दिन अनएक्सपेक्टेडली तौर के ऊपर रहते हुए नज़र आते हैं तो अखराज को समेटने के लिए प्लानिंग्स आपके पास पहले से रहनी चाहिए या फिर कुछ सेविंग्स पहले से होनी चाहिए जो कि अनएक्सपेक्टेडली तौर के ऊपर जो एक्सपेंसिज आ रहे हैं उनको आप लोग बेहतर अंदाज में मीट कर सकें इसके अलावा आप लोगों का जो आज का दिन है दूसरों को कर्ज देना हो या कर्ज लेना हो दोनों ही सूरत में इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं है इस बारे में भी आप लोगों को ख़ास एहतियात बरतनी चाहिए और आज के दिन जो आप लोग सद का अपना देंगे वो होगा हजब तफ़ीक तो सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ नेक्स्ट साइन सजिटेरियस बोर्जॉस सजिटेरियंस आप लोगों का जो बेसिकली आज का दिन है आज के दिन अगर आप साहिब औलाद हैं औलाद की तरफ से आपको खुशी मिलती हुई नज़र आती है किसी फर्ट से मुहबत कर रहे हैं उस फर्ट से आपको खुशी मिलती हुई नज़र आती है या फिर आपका आज का जो दिन है अपने तलीमी सरगर्मियों में काफ़ी हद हाँ तक आप लोगों की रिस्पेक्ट और इज्जत बढ़ सकती है और आज के दिन के मुताबिक आप लोग काफ़ी हद हाँ तक अपने जो मशागल हैं प्रोडक्टिविटी की तरफ आप लोग माइल रखेंगे और आज के दिन आप लोग जो सदका दे सकते हैं वो आप लोगों का रहेगा जर्द रंग की चीज हसब तफ़ी साइन कैप्रिकॉन एक साइन कैप्रिकॉन आप लोगों का जो आज का दिन है आप लोगों को कारोबारी मामला मुलाजमती मामला या फिर आज के दिन के मुताबिक आपके जो कलीग्स हैं मातहत हैं उनके साथ बिला वजह की नोक झोंक आज के दिन आप लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करनी है क्योंकि आज के दिन मुलाजमती मामला हों या कारोबारी मामला हों या इवन मुश्तरक नोयत की चीज़ें ही क्यों ना हों या खानगी अमूर ही क्यों ना हो आज के दिन आप लोगों को कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ सकती हैं और कुछ चीज़ें आपको दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती हैं जिसका अगर आपको सिला वक्ती तौर के ऊपर नहीं भी मिल रहा तो आप लोगों ने बिल्कुल इसको फील नहीं करना है क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर इसका सिला मिल जाएगा और आज के दिन के मुताबिक आपका जो सदका रहेगा वो आप लोग देंगे जर्द रंग की चीज़ हसबे तोफ़ीक नेक्स्ट इन एक्वेरियस पर्सनल एकवेरियंस आप लोगों का जो बेसिकली आज का दिन है आज के दिन के लिहाज से कुछ खुशकुन ख़बरें आपको सुनने को मिलेंगी जो कि आपका जहनी तौर के ऊपर काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मूड खुशगवार रहेगा लेकिन इसके साथ साथ आपका हिम्मत हौसला बढ़ता हुआ नजर आता है ख़ुद एतमादी आपकी बढ़ती हुई नज़र आती है जिसकी वजह से आप लोग आप बिला वजह के छोटे छोटे जो जुट प्रॉब्लम्स हैं उनको आप लोग समेटते हुए नज़र आएंगे और इसके सोच सोच आपकी सोच जो है इसमें इतनी ज़्यादा आज के दिन पॉजिटिविटी नज़र आती है कि बिला वजह की रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं ऑटोमेटिकली तौर तो के ऊपर आप इतनी खूबसूरती से तरतीब देंगे कि आप लोगों का जो आज का दिन है जो माजी के अपने दिन गुजारे हैं उसकी नस्बत आज का दिन काफ़ी हद तक इन शाला पुरसकून गुजरेगा और आज के दिन के मुताबिक अगर आप अपना सदका देना चाहें तो आप लोग हसब तफ़ी अपना सदका दे सकते हैं सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ लास्ट इज साइन एक्साइन पाइसिस वर्ड हॉथ पाइसिस आप लोगों का जो बेसिकली आज का दिन है अपनी माजी की गलतियों को दोबारा से दोहराने की कोशिश ना करें ना ही अपनी माजी की गलतियों को दोबारा से दोहराने की कोशिश करें और ना ही अपना माजी दूसरों को सुनाने की कोशिश करें क्योंकि आज के दिन आपका माजी आपके लिए प्रॉब्लमारिक हो सकता है अगर आप माजी से कुछ सीख के आज के दिन नहीं कर रहे या अपने माजी को दूसरों के सामने आपने ला के खड़ा कर दिया है तो दोनों ही सूरतों में आपको आज के दिन परेशानी रह सकती है माजी को सिर्फ आप अपनी ज़ात तक महदूद रखें और आज के दिन आप लोगों ने जो भी डिसीजन्स लेने हैं आप लोगों ने माजी के तजरबात तो से सीखते हुए डिसीजन लेने हैं और इसके साथ साथ जो रिलेशनशिप्स हैं उनके ऊपर ट्रस्ट आपने सिर्फ अपनी ज़ात में हाल और मुस्कबिल के लिहाज से करना है माजी की चीज़ों को शेयर करके बला वजह अपने प्रेजेंट को आप लोगों ने ख़राब नहीं करना आज के दिन के मुताबिक जो आप लोगों का सदका रहेगा वो सदका आप लोग देंगे हसब तफ़ी लाल रंग की कोई भी चीज़ आज के दिन के लिहाज से बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त है अपना ख्याल रखिएगा इन शर्तरत ज़िंदगी आपसे कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफ